चलिए, यस पीपल, चलिए, सो द रिविजन स्टार्ट्स हियर. द टारगेट फॉर द डे इज वेरी सिंपल, वी हैव टू रिवाइज द एंटायर पार्ट बी, कि जो भी पार्ट बी हमने पढ़ा है वो एंड टू एंड खत्म हो जाएगा इन द सुपर क्विक वे पॉसिबल, सो दैट थ्रू दिस वीडियो यू कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बात करते हैं चैप्टर 15 की. चैप्टर 15 बहुत ही आसान सा चैप्टर है. इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट होते ही आ जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशंस को याद करना बहुत आसान है. हमने पढ़ा सबसे पहले आते हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल. नेशनल लेवल पे कितनी कैटेगरीज हैं? तीन. सबसे पहला ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, सेकेंड स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस. ओके, अगर मैं ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो कितने हैं? चार. IIDBI, IFCI, SIDBI एंड IIBI. मैं अभी भी कह रहा हूं कि यहां पे गलती करने की संभावना है तो ध्यान रखना है. लास्ट वन इज IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया. वेरी गुड. सेकंड की बात करते हो तो स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कितने हैं? तीन. सबसे पहला IFCI, वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड. सेकंड ICICI, वेंचर फंड्स लिमिटेड. थर्ड वन इज टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. उसके बाद में बात करूं थर्ड, थर्ड तो सबसे आसान है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन LIC, GIC, UTI. वेरी कंफर्टेबल. तो अगर हम बात करते हैं तो खत्म हो गया. स्टेट की बात करते हो, स्टेट के अंदर तो और इजी है बिकॉज देर आर ओनली टू, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द अदर वन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. अब अगर मैं देखता हूं तो खत्म हो गया चैप्टर का एक पार्ट ही खत्म. कि अगर हम बात करते हैं अगर इंस्टीट्यूशंस की, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर आ गया नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल. स्टेट के दो हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. खत्म. अरे ये तो QIB में भी आएगा ना. ओके, फिर नेशनल की बात करते तो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट. बहुत आसान, एक बार ये मैं बोलेगा बस. तो ये हो गया सबसे पहले ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक. IDBI, उसका बेटा कौन है? SIDBI, IFCI और IIBI. खत्म. स्पेशलाइज की बात करता हूं तो IFCI और ICICI, इन दोनों के वेंचर फंड्स हैं. और उसके बाद में लास्ट है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और फिर आता है इन्वेस्टमेंट, सबसे आसान है LIC, GIC, UTI. तो यहां तो कोई स्कोप नहीं है कि हम गलती कर सकते हैं. चलो, चैप्टर यहां तक हमारा होता है. इसके बाद में आता हूं QIB. QIB बहुत तूफान है. हमने इस तरह से पढ़ा था कि ये 13 पॉइंट्स होते हैं QIB. सबसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? व्हेनेवर अ कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, दिस इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. फॉर दिस द कंपनी हैज टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. वेरी गुड. अब बात करते हैं व्हाट यू मीन बाय QIB. इंक्लूड्स 13 पॉइंट्स. ध्यान से. ये अगर अपन अकेले लिखते हैं तो अपन को अच्छे से याद रहते हैं. इसमें कैसे कि कुछ अपन पॉइंट भूल जाते हैं. सबसे पहले बहुत आसानी से याद रख सकते हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. ये एकदम कंफर्टेबल. फिर FPI में कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. कैटेगरी 3 यहां पे नहीं होती. कैटेगरी 3 तो रिस्की वाला है ना. बिल्कुल ठीक है. ये जो कोई भी आ जाता है कैटेगरी 3 के अंदर, वो तो हमने देखा कि ओके ये दोनों हो गए. फिर ये दो जो अभी पीछा नहीं छूटता, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. एकदम इजी. उसके बाद में ये इंश्योरेंस वाले इजी. इंश्योरेंस कंपनी सेटअप अंडर IRDA, इंश्योरेंस फंड सेटअप बाय एयरफोर्स, और इंश्योरेंस फंड सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. बहुत आसान. उसके बाद में बात करते हैं ये इजी वाले, प्रोविडेंट फंड मिनिमम कॉर्पस 25 CR, पेंशन फंड मिनिमम कॉर्पस 25 CR. अरे मैं कह रहा हूं ये तो कोई नहीं भूलेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तो कोई नहीं भूलेगा. तो अगर हम 9 की वापस बात करता हूं, सबसे पहले मैं 3-4 लोग आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर, ये सारे आ गए हमारे. फिर यहां पे FPI कैटेगरी 1 एंड 2. फिर ये दो जो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. 3 इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड. अब समझ में आ रहा है ना कौन सा. फिर प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड 25 CR. अब ये चार हैं जो हम भूल जाएंगे, लेकिन इसमें से एक है जो अपने स्टेट लेवल में पढ़कर है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. उसके बाद में आता है हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC. इन चारों में भी आप ये और ये याद रख लोगे, बट ये तो बहुत ही तकलीफ होगी. तो आपको ध्यान रखना है कि ये गलती का पॉइंट है, तो मुझे इस पे फोकस करना है, क्योंकि बाकी तो ऑब्वियसली याद रह रहे हैं. तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड मुश्किल से याद रखना है, और मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुश्किल से याद रखना है थोड़ी सी मेहनत करके. ओके, वेरी इजी. ये हो जाता है हमारा QIB. QIB के बाद अगर बात करता हूं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर फॉरेनर
चाहता है इंडिया में इन्वेस्ट करना, तो लॉ कहते हैं कि पहले उसको रजिस्टर होना होगा एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसी के बाद में वो इंडिया में रजिस्टर हो सकता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो आपको इंडिया में एक कस्टोडियन और एक बैंक, इन दोनों के साथ में भी अपने अग्रीमेंट पहले करने होते हैं। खैर ये सब है नहीं टेक्निकली हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में फोकस है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तीन कैटेगरीज के ऊपर। कैटेगरी वन, अब समझो अपन इंडिया में है और बाहर से कोई आ रहा है तो उसको अपन को कैटेगरी देना है, तो इट इज लाइक प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर। तो सबसे पहले हमने दिया गवर्नमेंट्स को, कोई फॉरेन गवर्नमेंट आ रही है तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज, उसके बाद में कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO आ रहा है, इंटरनेशनल एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये दो को दिया कैटेगरी वन। कैटेगरी टू के अंदर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड, ब्रॉडबैंड फंड, असेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी ऐसा जो कि उनकी कंट्रीज में प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड दीज पीपल, एंड देन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी रिलेटेड फंड्स, खत्म। तो ये सारे, ये दो को मिला कैटेगरी टू। उसका कैटेगरी थ्री में आए, हर वो व्यक्ति इसको कैटेगरी वन और टू में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला उसको मिला कैटेगरी थ्री में, सच एज इंडिविजुअल, फैमिलीज, ट्रस्ट हो गया, उसके बाद में जो अपने चैरिटेबल सोसाइटीज हो गया, इन सबको मिलता है कैटेगरी थ्री। जिसको कैटेगरी वन और टू नहीं मिला उसको मिला कैटेगरी थ्री, सुपर इजी। दिस इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फिर आता है AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कभी कभी आपको अकेले में FPI से कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको थोड़ा लॉजिकली मगज के साथ सोचना है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब बाहर से व्यक्ति आ रहा है, तो ये तीनों। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये तो ऐसा फंड है कि हम लोग ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अगर मैं AIF की बात करता हूं तो AIF के अंदर, ये तो हमारा FPI, ये AIF है, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे कि नेम सजेस्ट ही करता है इससे इसका डेफिनेशन निकलता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्स टू अ फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब फंड होना चाहिए इंडिया के अंदर, एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, कंपनी, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, किसी फॉर्म में हो सकता है। तो दो चीजें पहले डायग्राम माइंड में आपका डायग्राम बनते रहना चाहिए, इंडिया बन रहा है, इंडिया बन गया, उसके बाद फंड, तो फंड इन इंडिया, उस फंड के ऊपर हमने बना दिया ट्रस्ट, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी, तो ये इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद में इट इज अ प्राइवेटली पूल्ड, डायग्राम याद आ रहा है, हाथ पकड़ा हुआ था, इट इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट फंड फ्रॉम इन्वेस्टर वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड इन्वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द Defined investment policy and which is not covered under SEBI mutual fund regulation, CIS regulation or any other regulation. ये डायग्राम तो ऑटोमेटिकली याद आ जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली मतलब क्या, अपन को ऐसा एक, हम इसको डायग्राम को बना रहे हैं माइंड में, ठीक है। सबसे पहला आता है इट इज अ फंड सेटअप इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ, इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, विच इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट मनी वेदर इन इंडिया और इन्वेस्टर आउटसाइड इंडिया एंड इट इज इन्वेस्टेड एज पर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच इज नॉट कवर्ड अंडर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन और CIS रेगुलेशन। क्या हो गया टॉपिक, परफेक्ट। फिर AIF की तीन कैटेगरी आती है, AIF कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, सुनना ध्यान से। उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि हमारे मॉड्यूल ने सिर्फ क्या दे रखा है, एग्जाम्पल, बट हमने थोड़ा समझने की कोशिश की। तो कैटेगरी वन में वो आते हैं जो कि इकोनॉमिकली और सोशली डिजायरेबल हैं, कैटेगरी थ्री में कौन से आते हैं जो कि थोड़े से रिस्की हैं, और कैटेगरी टू में कौन से आते हैं जो वन और थ्री में कवर नहीं हुए। लेकिन फिर हमने पढ़ लिया था इसके एग्जाम्पल जो मॉड्यूल में दिए हैं। अब मॉड्यूल में इसके बारे में क्या दिया हुआ है, मॉड्यूल में इसके बारे में हमने पढ़ा किसके अंदर दिया है, सबसे पहले कैटेगरी वन। कैटेगरी वन इंक्लूड्स वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड, सोशल वेंचर कैपिटल फंड एंड इंफ्रा फंड। ये चारों नाम याद रखने, पहले में चार नाम दिया है, दूसरे में दो नाम दिया, तीसरे में एक नाम दिया, तो इस तरह से उनका 4-2-1। अरे जो रेड में है वो तो एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ाया है, वो मॉड्यूल में तो है ही नहीं, तो हमें याद रखना है जो ब्लैक में लिखा हुआ है, वेरी क्लियर। तो ब्लैक में लिखा है दैट व्हाट यू मीन बाय कैटेगरी वन AIF, कैटेगरी AIF इंक्लूड्स, वो हमें पता है जो चीज इकोनॉमिकली सोशली डिजायरेबल है, छोड़ो चीज को, विच इंक्लूड्स वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड, सोशल वेंचर के फंड एंड इंफ्रा फंड। ये सब ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वेंचर कैपिटल, तो ये सब सबके लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह सारी अपॉर्चुनिटीज बेटर होने वाली है, परफेक्ट। फिर आ गया टू, ये तो कहीं पे भी कवर नहीं हुआ, तो डेट और इक्विटी वाले, तो सिंपल इंक्लूड्स प्राइवेट इक्विटी फंड एंड डेट फंड, इक्विटी डेट मतलब जनरलाइज जो कहीं कवर नहीं होता, और ये जो रिस्की वाले दे इंक्लूड हेज फंड, हेज फंड्स, तो हेज फंड इक्विटी डेट हो गया प्राइवेट वाला, और यहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सोशल वेंचर फंड, SME फंड्स, 4-2-3 AIF।
फिर आता है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी आपके दिल में उतरेगा ही नहीं। कभी टॉपिक को देख के ऐसा लगा कि हाँ ये मेरा हुआ, नहीं ये किसी का नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि जो यहाँ पे लिखा है वो सही नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो यहाँ पे लिखा है वो सही नहीं है, बट हमें अनफॉर्चुनेटली पढ़ना पड़ता है फ्रॉम एग्जाम लुकआउट। तो प्राइवेट इक्विटी को लेकर हम हमारे पॉइंट्स बना लेते हैं जो हमें पता होना है। प्राइवेट इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विच इज नॉट पब्लिकली ट्रेडेड और अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी विद एन इंटेंशन टू मेक इट प्राइवेट। Investing in a company which is not publicly traded or a company which is publicly traded with an intention to make it private. यहाँ पे intention है कि मेरा private चाहिए मुझे equity, मुझे यहाँ पे ownership किसी के साथ share नहीं करनी है। I want the entire control in my hand. तो या तो नॉन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में जाऊंगा या फिर मैं जाऊंगा एक ऐसी कंपनी में जो कि अभी तो पब्लिकली ट्रेडेड है बट उसको मैं भी बहुत जल्द करने वाला हूँ नॉट पब्लिकली ट्रेडेड प्राइवेट। दूसरी चीज, यहाँ पे जो पब्लिकली ट्रेडेड वगैरह लिखा है इसको आप इन अपने कंपनी से के हिसाब से पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड से रिलेट ना करें। इट इज अ कंसेप्ट, तो आप किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट याद और करना है हमें कि एक ऐसी तरह से हमारी हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे विच इज इधर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड और इन अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी विद एन इंटेंशन टू मेक इट। ओके, यहाँ पे और होल्डिंग पीरियड इज वेरी हाई, आप इसको बेचने जाओगे बिकेगी नहीं। द मनी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई, सिंपल। और इन्वेस्टर कौन से होते हैं? जनरल रिटेल होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, मेजरली इंस्टीट्यूशनल होते हैं, एक्रेडिटेड होते हैं सच एज एंजल, पेंशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फंड ऑफ फंड्स। तो इन्वेस्टर आर में से कुछ नाम याद रहना चाहिए, होल्डिंग पीरियड हाई होना चाहिए, मनी रिक्वायर्ड हाई होना चाहिए और हम इन्वेस्ट करते हैं इन नॉट पब्लिकली प्राइवेटली ट्रेडेड कंपनीज और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज इंटेंशन टू मेक देम प्राइवेट। अब उसके अंदर तीन केसेस टाइप्स, लेवरेज बाय आउट। लेवरेज बाय आउट अब पढ़ाना आसान हो जाएगा After seeing Zomato, Uber Eats. Zomato ने Uber Eats को acquire किया, what is that? Leverage buyout के अंदर या तो आप किसी company को ही खरीद लेते हैं या फिर आप एक किसी बड़ी कंपनी के एक छोटे से division को, unit को खरीद लेते हैं। तो एक पूरा growth, एक growth, grow किया हुआ unit है, उसको आप अगर matured unit को अगर आपने buy कर लिया है पूरा का पूरा, that is leverage buyout. तो या तो पूरी की पूरी कंपनी buyout कर लेते हैं या फिर उसका एक छोटा सा पूरा strategic business unit buyout कर लेते हैं। तो Uber एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक छोटा सा यूनिट है Uber Eats. तो Zomato ने Uber Eats को कर लिया acquire, leverage buyout. तो leverage buyout के अंदर आप एक किसी mature कंपनी को या तो buy कर लेते हैं या उसके एक business unit को buy कर लेते हैं। दूसरा आता है venture capital. venture capital में आप mature कंपनी नहीं, जो less mature कंपनी है, जो कंपनी अभी बन रही है, जो अभी एक startup है, Dunzo अभी एक startup है, तो ऐसी किसी startup के अंदर less mature कंपनी को आप कर लेते हैं buy. तो लेस मैच्योर कंपनी को अक्वायर किया, तो ये हो गया वेंचर कैपिटल। तो लेवरेज बायआउट और वेंचर कैपिटल एक लाइन में आते हैं, ग्रोथ अलग है। अब एक व्यक्ति जब बीकॉम का लॉजिक लगा, ग्रोथ मतलब जो कंपनी ग्रो कर रही है उसको अक्वायर कर लेते हैं, नहीं। अभी क्या हमारे दिमाग में, आपने कहीं पे बचपन में पढ़ा होगा ना एक कंपनी का ग्रोथ ऐसा रहता है ना, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हाँ ग्रोथ कंपनी को अक्वायर किया तो लेवरेज बायआउट, और हमने जो अभी बन रही है कंपनी उसको किया तो ये आ गया हमारा सेंकल वेंचर कैपिटल। तो मतलब जो ग्रोथ स्टेज पे है वो होगा ग्रोथ कंपनी, नहीं वो ने लिखा है। यहां पे क्या उन्होंने लिखा, एक ऐसी कंपनी, सुनना समझना जल्दबाजी नहीं, स्पीड ऑफ़ स्लो डाउन, एक ऐसी कंपनी विच इज लुकिंग टू ग्रो, एक ऐसी कंपनी विच इज लुकिंग टू ग्रो और उसको ग्रो करने के लिए चाहिए पैसा। प्राइवेट इक्विटी के अंदर एक व्यक्ति जो उस कंपनी को पैसा देगा जिसको ग्रो करना है उसके अंदर उसको थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा, यहां पर आपको कभी भी पूरा कंट्रोल मिलता नहीं है। एग्जाम्पल पुणे की चितले बंधु बाखरवाड़ी बहुत जबरदस्त है, तो उसको चाहिए कि वो वर्ल्ड के हर एक कोने में जाए, तो उसके पास लेकिन उसको लगता है कि इतने फंड्स नहीं है, ये अप्रोच करता है ग्लोबल इन्वेस्टर को और वो लोग मिलके और उसको दुनिया के कोने कोने में पहुंचा देते हैं। दिस कुड बी एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट इक्विटी में ग्रोथ, कि इनको ग्रो करना था तो हमने उनके प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड पहुंचाया, उस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए पैसा दिया और हमको उसकी इक्विटी मिल गई है, दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंदर कंपनी इंटेंड्स टू ग्रो, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में लॉन्च करना है, किसी भी कारण से अपन ग्रो करना चाहते हैं और पैसा कम है तो हम किसी को अप्रोच करते हैं, आप प्राइवेट इक्विटी डाल दो हमें, हम आपको 50% ओनरशिप दे देंगे। द डिफरेंस इज लेवरेज बायआउट में यू गेट 100% ओनरशिप, वेंचर कैपिटल में भी यू आर मेकिंग एन अटेम्प्ट फॉर 100% ओनरशिप, बट ग्रोथ में ऐसा कुछ नहीं है, यू हार्डली गेट 50-60% ओनरशिप। खैर इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शन। Are we understanding? So this is all about private equity. Sir, नहीं मजा नहीं आता है private equity में self study के नाम पे, तो हमें मजा लेना भी नहीं है, सिर्फ ये चार पॉइंट याद हो जाने चाहिए, क्योंकि private equity में जो लिखा है वो लिखा सही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई और टॉपिक होता तो हम घुस के देखते हैं, बट इन्होंने जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो हमें चार पॉइंट चिपक के रहना है। What do you mean by private equity? Private equity refers to investing in a company which is not publicly traded or a publicly traded company with an intention to make it private. Okay, second point. पैसा भी कितना चाहिए? हाय, और इन्वेस्टर को होते हैं रिटेल, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सारे के नाम लिखते हैं एग्जांपल। चलिए
ये सारे हो गए यहाँ पे एग्जाम्पल प्राइवेट इक्विटी. प्राइवेट इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा एंजल फंड. एंजल फंड अब बहुत सब सेम लाइन पे चलते हैं. एंजल फंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एंजल फंड रिफर्स टू अ फंड व्हिच इन्वेस्ट इन बिजनेस स्टार्टअप इन रिटर्न ऑफ इक्विटी ओनरशिप और कन्वर्टेबल डेट. कन्वर्टेबल डेट बताया था मैंने आपको, मेजनाइन फाइनेंसिंग कहते हैं उसको, जिसके अंदर आज तो डेट मिला है लेकिन कल को डेट कन्वर्ट करके क्या मिल जाएगा, इक्विटी. इक्विटी. सो एंजल इन्वेस्टर रिफर्स टू एन इन्वेस्टर व्हिच इन्वेस्ट मनी विद एन इंटेंशन टू गेट ईदर इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट. चाहिए उसको इक्विटी लेकिन इक्विटी नहीं मिल रही तो कभी कभी वो कन्वर्टेबल डेट लेके भी मान जाता है, क्या पता कल को इक्विटी मिल जाए. ओके चलो, ये कन्वर्टेबल डेट इज नॉट कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ एंजल इन्वेस्टर, नहीं, इट इज कन्वर्टेबल एज पर द टर्म्स कि अगर वो कंपनी लोन रिपे नहीं कर पाई तो कन्वर्ट हो जाएगा. मेजनाइन फाइनेंसिंग छोड़ दो. इसके बाद में एक और गरीब टॉपिक, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. हमने देखा था टॉपिक भी, ये टॉपिक में मजा नहीं आता. इस टॉपिक के अंदर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रिफर्स टू अ कैटेगरी विच इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर नेटवर्थ. यहां पे आओ. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और क्लास ऑफ इंडिविजुअल हु आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट वेल्थ असेट्स एंड इन्वेस्टेबल सरप्लस. इनमें से किसी ग्राउंड पे अगर आप किसी को अलग कर देते हो तो उन्हें कहा जाता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन व्हाट, बोलो, इन्वेस्टेबल सरप्लस. इस बेस पे अगर आप अलग करते हैं तो उसे कहा जाता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. उसके बाद बात करते हैं कि कोई स्टैंडर्ड तो इंडिया में सेट नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड ज्योग्राफिकल एरिया टू एरिया चेंज किया जा सकता है. फिर यहां पे बोला कि हम ऐसा कह देंगे, क्या लिमिट दी, 2 करोड़ के ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. जिसके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, इसका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 2 करोड़ या उससे ज्यादा, उसे बोलेंगे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. और जो 25 लाख से 2 करोड़ के बीच है, इमर्जिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. वहीं एक और नजरिए से देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति जो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करता है उसको भी हम कह सकते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. तो ये अलग अलग नजरिए हो गए. तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के 3 पॉइंट दिमाग में चिपके रहने चाहिए. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स बेस्ड ऑन डिस्पोजेबल इनकम, जो उसके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है. सेकेंड, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है बट वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, तरीके के हिसाब से चेंज हो सकता है. तो ये भी कहा जा सकता है एवरीवन हुज गॉट इन्वेस्टेबल सरप्लस अप टू 2 CR और मोर, दैट पर्सन हाईएस्ट नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड अप टू 2 CR, 25 लाख टू 2 CR इमर्जिंग. एंड एनी पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन IPO FPO फॉर मोर देन 2 लाख, ही कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. फिर आता है वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल के अंदर भी वही चीज जो हमने देखी थी कि वेंचर कैपिटल रिफर्स टू अ पर्सन हु इन्वेस्ट वेयर एट द एंड ऑफ द डे ही इज आल्सो इन्वेस्टिंग वेयर अर्ली स्टेज वेंचर स्टार्टअप्स इन रिटर्न फॉर ओनरशिप एंड कंट्रोल, सिमिलरली लाइक एंजल फंड. और फिर लास्ट में पेंशन फंड की बात की थी, उसके अंदर हम जनरलाइज करके पढ़ा कि पेंशन फंड क्या, बहुत सारे तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो, फॉर्मल इनफॉर्मल. फिर फॉर्मल में ये हैं और बहुत सारे एक्ट हैं. फॉर्मल के अंदर भी कैटेगरीज हैं, स्कूल के पेंशन फंड का इतना लोड नहीं है, एक बार फिर भी देख लेते हैं. पेंशन फंड 2 सेक्टर के, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल को वापस 3 कैटेगरी में कर सकते हो, अंडर एक्ट और स्टैट्यूट, गवर्नमेंट पेंशन एंड वॉलंटरी पेंशन. फॉर्मल इनफॉर्मल, इनफॉर्मल जो अपने लेवल पे चल रही है. फॉर्मल के अंदर 3 जो कि किसी एक्ट से रिक्वायर्ड है, कोई गवर्नमेंट पेंशन है और वॉलंटरी पेंशन है. एक्ट ने रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट पेंशन, वॉलंटरी और एक्ट के कुछ एग्जांपल दिए. तो पेंशन हो गया आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल. फॉर्मल रिक्वायर्ड बाय एक्ट, गवर्नमेंट पेंशन और एनी वॉलंटरी पेंशन. और इस तरह से खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 15. मॉड्यूल में एक ही चैप्टर है, हमने हमारे नोट्स में उसको डिवाइड कर दिया है, तो हमारा एक चैप्टर हो गया खत्म. 15 आपको लगता बहुत ही आसान है. अब इस 15 चैप्टर को अगर हम देखते हैं तो इस 15 चैप्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पार्ट 1 नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन स्टेट लेवल खत्म. पार्ट 2 QIB FPI AIF, बस ये 3 उसके बाद में बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट. तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जब मौका मिले इसके पार्ट 1 और 2 को देखते रहो देखते रहो देखते रहो. एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है QIB AIF और FPI पे. तो ये 3 इस चैप्टर के 4 मार्क टॉपिक्स हो गए. आई गेस आपने 4 मार्क कर रखा है. यस, तो ये 3 इस चैप्टर के हो गए 4 मार्क टॉपिक्स, QIB FPI एंड AIF. चलो आते हैं हम लोग अगले चैप्टर की ओर. चैप्टर नंबर 16 कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ये तो आसान से आसान टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर भी 2 टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया जो इजी वंस, अर्लियर नोन वंस, और एक हो गए नए. अर्लियर नोन सब मैं यहां पे इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर तो नहीं पढ़ाऊंगा. मैं आ रहा हूं डायरेक्टली नए टॉपिक्स के ऊपर. नए टॉपिक्स आते हैं हमारे साथ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. इसके 5 पॉइंट और ये तो हर एक खुद को एक्सप्लेन करते हैं. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, व्हेन अ इंडियन कंपनी इज इशूइंग बॉन्ड्स इन फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल विल पेबल इन फॉरेन करेंसी, इशूड
बाय इंडियन कंपनी इश्यू टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया विच इज कन्वर्टेबल इन टू इक्विटी शेयर ऑफ द इंडियन कंपनी. सुपर सुपर. तो हमने जो देखा एकदम परफेक्ट हो गया. अब अगर मान लो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को मैं बोल दूंगा फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, तो डेफिनेशन सेम रहेगी ना. रुकना, वापस बोलेंगे पूरी. फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड रिफर्स टू अ बॉन्ड विच इज डिनोमिनेटेड इन प्रिंसिपल इंटरेस्ट इन इश्यूड बाय अ इश्यूड टू अ विच हैज अ फीचर ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी इन टू इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी. एकदम परफेक्ट है, सुपर आसान. फिर आ जाता है हमारा टॉपिक ऑफ IDR. IDR में हमने GDR पढ़ा, लेकिन उसको सिर्फ समझने के लिए पढ़ा. IDR को लेके हमें पढ़ना है. IDR का फंडा ऐसा होता है कि कोई भी अगर ऐसी कंपनी है, यस IDR, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी क्यों, एग्जांपल लेंगे हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC का. कोई भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC इज अ फॉरेन कंपनी, उसको इक्विटी शेयर्स इशू करने इंडिया में, लेकिन वो इंडिया में उसके इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती. तो वो क्या करती, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर उसके कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे तो बहुत सारे उस कंट्री के लॉस को कंप्लाई करना होगा, तो वो अपने इक्विटी शेयर्स इशू करती है इंडिया में एक डिपॉजिटरी को. डिपॉजिटरी उसको IDR के फॉर्म में इंडिया के अंदर मल्टीपल जगह पे इशू कर देती है. सो IDR क्या बन जाता है, सुनना ध्यान से. IDR रेफर्स टू अ डिपॉजिटरी रिसीट, वेरी केयरफुली. IDR refers to a means any instrument in the form of depository receipt created by a domestic depository. अब ideally सोचते एकदम सिंपल, मैं इंडिया के अंदर है, मैंने IDR खरीदा, मुझे IDR इश्यू किसने किया, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी. सो इट इज इशूड बाय अ डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया एंड ऑथोराइज बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. बिकॉज स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, डिपॉजिटरी इन इंडिया, इसने इसको दिया और इसने फाइनली इश्यू किया आउटसाइड इंडिया, मेकिंग एन इश्यू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीव. सो एकदम सिंपल है, हमें सिर्फ ये प्लेसमेंट ध्यान रखना है कौन सा इंडिया के अंदर है, कौन सा इंडिया के बाहर है. इन्वेस्टर इंडिया के अंदर है, डिपॉजिटरी बैंक इंडिया के अंदर है, कंपनी इंडिया के बाहर है, कस्टोडियन इंडिया के बाहर है. इनका प्लेसमेंट भी एक्सप्लेन कर दिया तो आपका आइडिया डन है. सिंपल. तो आइडिया क्या, डिपॉजिट रिसीट इशूड बाय अ डोमेस्टिक डिपॉजिटरी ऑथराइज बाय अ कंपनी आउटसाइड इंडिया हूज शेयर्स आर डिपॉजिटेड विद अ कस्टोडियन आउटसाइड इंडिया. डन, इतना सा लिखना है. तो बस ये जो डायग्राम का प्लेसमेंट है वो ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ इंडिया के अंदर, कौन सी चीज़ इंडिया के बाहर है. ये वाला IDR हमने GDR भी डिस्कस किया था क्लास में, हमारे सिलेबस में नहीं है तो उस पर नहीं जाएंगे. फिर आता है आपका माय गुडनेस, वी हैव गिवन जरूरत से ज्यादा टाइम टू डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का फास्ट रिवीजन हो नहीं सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे क्विकली क्वेश्चन आंसर करके खत्म करेंगे. डेरिवेटिव सबसे डेरिवेटिव की डेफिनेशन पे आता हूं. सुनना, एक तो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन अंडर पार्ट बी, एक है डेरिवेटिव एज पर SCRA 1956, वहां पे डेरिवेटिव इंक्लूड्स दिया है. डेरिवेटिव इंक्लूड करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम शेयर डिबेंचर वगैरह और एनी इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एनी अंडरलाइंग एसेट इंक्लूड्स कमोडिटी डेरिवेटिव और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज डेरिवेटिव. वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी बात कर रहा हूं डेरिवेटिव यहां पर जो है. तो यहां पर डेरिवेटिव मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट. परफेक्ट. हमें पढ़ना है तीन एग्जाम्पल, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन. फॉरवर्ड डिस्कस नहीं कर रहा मैं, फ्यूचर्स पे आते हैं सीधा. फ्यूचर के अंदर कैसा है, इफ टू पीपल हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन अ पर्टिकुलर डेट आई विल बी बाइंग फ्रॉम यू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर रेट. तीन चीजें फ्रीज करनी होगी, प्री डिटर्मिंड रेट, क्वांटिटी, डेट. तो इसे कहा जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ड्यू डेट पे मुझे बताओ दोनों का ऑब्लिगेशन है क्या? यस, दोनों का ऑब्लिगेशन है, कोई भी व्यक्ति पीछे हट नहीं सकता. लेकिन अगर मैं आ जाता हूं ऑप्शंस में, वहां पे दो पार्टीज हैं, ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन राइटर. द पार्टी मुझे बताओ विच पेज द प्रीमियम, ऑप्शन होल्डर, क्योंकि मैंने प्रीमियम पे करके क्या खरीदा, ऑप्शन. तो मैं बन गया ऑप्शन होल्डर. सो ऑप्शन होल्डर, वो बन गया ऑप्शन राइटर. आई विल हैव द राइट ऑन द ड्यू डेट टू डिसाइड वेदर आई वांट टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. तो ये राइट खरीदने के लिए तो प्रीमियम दिया था, बिल्कुल. अब ड्यू डेट में मैं देखेगा कि मेरे को अगर प्रॉफिटेबल लग रहा है तो मैं खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा. ये ऑप्शन होल्डर है. ऑप्शन होल्डर बायर भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है. अगर सुनना मैं बुलिश हूं, मुझे लगता है शेयर प्राइस बहुत बढ़ने वाली है, तो मैं बाय का ऑप्शन राइटर बनूंगा ना, कॉल ऑप्शन. और मुझे लगता है शेयर प्राइस गिरने वाली है तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा. अभी क्लियर? तो कॉल पुट, कॉल इज एन ऑप्शन टू बाय, पुट इज एन ऑप्शन टू सेल. ओके, वेरी क्लियर. बुल बेयर क्लियर अपना एनीवेज. चलो परफेक्ट. तो ये आ गया अपना डेरिवेटिव के बारे में. उसके अंदर यूरोपियन अमेरिकन, मुझे बताओ एक ऑप्शन जो कहीं भी कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं बिफोर द ड्यू डेट,
अमेरिकन, याद है ना, कहीं भी कुछ भी करते हैं अमेरिकन, एंड जो ओनली ऑन द ड्यू डेट यूरोपियन. फिर आता है हमारा वारंट, और ये टॉपिक खत्म हो जाता है. वारंट इज वेरी इजी. वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू अ राइट टू बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट. इसके बाद डायग्राम्स करके हमने पढ़े थे एकदम. तो वारंट सिंपल है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू अ राइट टू बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट एकदम. और ये आ जाता है, अरे चैप्टर लड्डू खत्म. तो इस चैप्टर में तो इक्विटी इक्विटी छोड़ो, तो इवेंचुअली आपको यही पढ़ना है. कुल मिला के 5 तो इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर वो पढ़ लिए तो ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है. तो विद दिस चैप्टर 16 इज ओवर. चैप्टर 17 की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. क्या इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट? आस्पेक्ट तो कितने हैं? चार तो टॉपिक है. मैं आपको कह रहा हूँ कि चारों को स्टार मार के, इन चारों में से एक टॉपिक एग्जाम में आने की सुपर प्रबल संभावना है. सबसे पहला बुक बिल्डिंग, एंकर इन्वेस्टर, ASBA एंड ग्रीन शू ऑप्शन. चलो आप लोग मुझे फटाफट से बताओगे बुक बिल्डिंग के बारे में. बुक बिल्डिंग के 10 स्टेप्स पढ़े बनने, फेजेस करके पढ़ा था. सबसे पहला स्टेप क्या है? इश्यूअर एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज. लीड मर्चेंट बैंकर इज अपॉइंटेड लीड बुक रनर, अपॉइंट्स द रिक्वायर्ड इंटरमीडियरीज. फर्स्ट फेज ओवर. सेकेंड फेज डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस. प्राइस में डिस्क्लोज करते या तो या फिर न्यूज़पेपर. आईपीओ है तो, एफपीओ है तो वन डे. एकदम क्लियर चल रहा है अपना, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है. ठीक है, प्राइस बैंड मुझे बताओ, क्या मैं रिवाइज कर सकता हूँ? यस, मैक्सिमम 20%. और नॉर्मल रूल बताओ, अपर बैंड मैक्सिमम ऑफ द लोअर बैंड. अपर बैंड का कोई वजूद नहीं है, लोअर बैंड के आसपास घूमता रहता है. परफेक्ट हो गया, ये हो गया फेज टू. फेज थ्री है बिडिंग प्रोसेस. कितने दिन का होगा? और अगर रिवाइज किया तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज. चलो तो मतलब क्या हो गया, हमने प्राइस दिखा दी, लोगों ने बिडिंग कर दी. अब नेक्स्ट फेज में हमें क्या डिटरमिन करना है? कट ऑफ प्राइस. एवरी पर्सन हु हैज बिड ऑन और अबव द कट ऑफ प्राइस विल बी गिवन द शेयर. उसके बाद हम बना देंगे एक लिस्ट एंड पीपल विल बी इन्फॉर्म देयर एंटाइटलमेंट. फाइनली क्या प्रोस्पेक्टस भरना पड़ेगा? यस, अ फाइनल प्रोस्पेक्टस हैज टू बी फाइल्ड इंक्लूडिंग द प्राइस. बुक बिल्डिंग डन. एंकर इन्वेस्टर. एंकर इन्वेस्टर की डेफिनेशन के 3 फेजेस हैं. एंकर इन्वेस्टर रिफर्स टू अ QIB who makes an application of 10 CR or more in a book building issue. Anchor investor सिर्फ book building के अंदर गिनाता है. Normal में anchor investor कोई concept ही नहीं है. So anchor investor refers to a person who makes an application in for, who is a QIB who makes an application for CR or more in a book building issue. Perfect, perfect, perfect. Okay. अब इसके बहुत सारे restriction है. पहला restriction आता है with respect to allotment. Allotment. चलो अगर मैं anchor investor को allotment कर रहा हूँ सिर्फ 10 करोड़ का, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा को दे नहीं सकता. ठीक है, लेकिन अगर मैं अलॉटमेंट कर रहा हूं अप टू 10 सीआर से ज्यादा, अप टू 250 सीआर, देन मिनिमम 2, मैक्सिमम 15. यहां पे हर एक व्यक्ति को 5 सीआर देना होगा. और उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, एवरी 250 सीआर पे यहां पे मैक्सिमम में 10 ऐड होते रहेंगे. सो फिर वो लिमिट बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी. अगर उस लिमिट को हम देखना चाहेंगे तो लिमिट हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि शीट पे लिखी ही नहीं है. बट आर वी अंडरस्टैंडिंग इट कम्प्लीटली? यस. उसके बाद हमने बहुत सारे पॉइंट्स और भी पढ़े थे. मुझे बताओ, उसको हमने बताया जमाई जैसा ट्रीटमेंट करते हैं. उसके लिए इश्यू ओपन होता है वन डे बिफोर. अलॉटमेंट होता है ऑन द एट द बिड प्राइस. बिड प्राइस उस पर कुछ लॉक इन है क्या? 30 डेज का लॉक इन रहता है. लेकिन सबसे ज्यादा रोने वाली बात तो अब आती है कि अगर एंड में जब पब्लिक को अपन पूरा अलॉटमेंट कर रहे हैं, तब अगर मार्केट जो कट ऑफ प्राइस आई है, कट ऑफ प्राइस आई 30, एंकर को दिया है 32 में, नो रिफंड. कट ऑफ प्राइस आई 30, एंकर को दिया 28 में, ही हैज टू ब्रिंग इन एक्स्ट्रा. तो अगर मान लीजिए एंकर इन्वेस्टर गलती से सस्ते में मिल गया, तो उसको एक्स्ट्रा लाना होगा. और मान लो उसको महंगे मिला, तो कुछ रिफंड नहीं मिलेगा. दैट इज द ड्यूटी ऑफ एंकर इन्वेस्टर. इसके अंदर हमने पढ़ा था इसके यहाँ पे अलॉटमेंट कैसा होता है? डिस्क्रिशनरी. अदरवाइज हम लोग ये सोचने लग गए थे फिर तो हर एक व्यक्ति क्या करेगा, एकदम फ्लोर प्राइस पे करेगा. डिस्क्रिशनरी बेसिस पे अलॉटमेंट है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू आईसीडीआर का अलॉटमेंट, जो मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. कि अलॉटमेंट आईसीडीआर के अंदर हमने पढ़ा रिटेल को कैसा होता है, तो एंकर का होता है डिस्क्रिशनरी, कंपनी डिसाइड करेगी वैसा. बाकियों का होता है प्रोरेटा. और RIA का होता है जो अपना रिटेल है, कि हर एक को एक लॉट देंगे और बैलेंस के लिए प्रोरेटा. चलो वहां आज नहीं जा रहे हैं. तो ये हो गया इसको डिस्क्रिशनरी बेसिस पे. इसके अंदर रिजर्वेशन है क्या कुछ? QIB का पोर्शन का 60% टू QIB के पोर्शन का 1/3 टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड. परफेक्ट. फिर आता है आजबा. आजबा पढ़ने के पहले मजबूरन एक और टॉपिक पढ़ना पड़ता है. क्या? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. एनी बैंक इफ इट इज विलिंग कैन बिकम अ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक बाय गिविंग एन एप्लीकेशन. तो हमने एक एप्लीकेशन दिया किसको?
तो सेबी ने लिस्ट में ऐड कर दिया, हम बन गए सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। हमारे बहुत सारी ब्रांचेस में से डेजिग्नेटेड ब्रांच, एक कंट्रोलिंग ब्रांच। डेजिग्नेटेड ब्रांच का काम क्या? कलेक्टिंग। कंट्रोलिंग का काम कोऑर्डिनेट करने का। तो अगर आज मैं इन्वेस्टर हूं, अब मैं आसबा पे आता हूं, आज मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे अगर आसबा एप्लीकेशन देनी तो मुझे क्या करना है? सिर्फ मुझे जाना है और किसी भी डेजिग्नेटेड ब्रांच पे आसबा एप्लीकेशन जमा करा देनी है। अब वो डेजिग्नेटेड ब्रांच क्या करेगा? मेरे अकाउंट में कर देगा मनी ब्लॉक और मेरी बिड को कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड। और अगर ड्यू डेट पे मुझे अलॉटमेंट होता है, ओनली देन द अमाउंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट एंड ट्रांसफर टू द कंपनी। इफ एट ऑल अलॉटमेंट लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं आता है तो देन मेरे अकाउंट से ब्लॉकेज हटा दिया, मतलब मेरा शेयर का एप्लीकेशन भी चला जाता है और मेरे अकाउंट से एक पैसा भी कट नहीं होता है। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय नाउ बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, परफेक्ट, खत्म। और फिर आता है एंड का तूफानी कंसेप्ट, ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन इज नोन एज पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म। ग्रीन शू ऑप्शन इज नोन एज पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म। मैक्सिमम टेन्योर कितना अलाउड है? 30 डेज का। तो ग्रीन शू ऑप्शन में होता क्या है, मान लीजिए आज कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और उन शेयर्स के लिए आ गई एक्सेसिव डिमांड और अब मैनेज नहीं हो रहा, कंपनी को लग रहा है प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, तो कंपनी अपॉइंट करता है एक स्टेबलाइजिंग एजेंट को कि साहब आप मैनेज करो। स्टेबलाइजिंग एजेंट आता है, वो किससे बोरो करता है? प्रमोटर और शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स, उनसे बोरो करता है। मैक्सिमम बोरो कितना कर सकता है? 15% ऑफ द इशू। जो पहले इशू की वजह से हुआ था ये बुक बिल्डिंग, हम ग्रीन शू ऑप्शन क्यों कर रहे हैं? किसी इशू की वजह से, तो उस इशू का मैक्सिमम 15%, तो 115% हो गया टोटल। ये 15% बोरो किया, ये 15% हमने कर दिया इनको अलॉट, इनसे बोरो इनको अलॉट। और इनसे ये कौन है जो ओवर डिमांडिंग शेयर होल्डर थे? हमारे डायग्राम, वो भी डायग्राम नहीं हमारे पास, एकदम क्लियर नहीं यहाँ पे, यस क्या बात है। तो ये व्यक्ति के अंदर हमने क्या किया, इस व्यक्ति ने इनसे किया बोरो और इनको कर दिया अलॉट। पैसे तो लिए ना, पैसे लेके रखे हमने ग्रीन शू ऑप्शन बैंक अकाउंट में। फिर हम 30 डेज तक रुका स्टेबलाइजिंग एजेंट के, मार्केट प्राइस डाउन होगा, और जैसे ही मार्केट प्राइस रीजनेबल आया उसने बाय किया और यहाँ पे स्टेबलाइजिंग पीरियड खत्म हुआ और दो दिन के अंदर उसने रिटर्न कर दिया टू द प्रमोटर। जब भी ग्रीन शो ऑप्शन चलता है, उसकी एक और चीज बताता हूँ आपको, डेली रिपोर्ट जाती है स्टॉक एक्सचेंज को और एक फाइनल रिपोर्ट जाती है सेबी को, एकदम कंफर्टेबल। अब कुछ सवाल आते हैं यहाँ पे कि सर मान लीजिए जितने में हमने खरीदा उतने में मार्केट में नहीं मिला तो एक्स्ट्रा पैसा कौन देगा? मान लो मार्केट में सस्ते मिल गया तो पैसा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। मान लो मार्केट में शेयर ही नहीं मिले तो क्या करेंगे? फ्रेश शेयर्स वुड बी इश्यूड। ओके, और इसके बाद ये चारों टॉपिक खत्म हो जाते हैं, इसी चैप्टर भी ओवर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है, चारों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं 18 स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, इजी से इजी। सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर हमारा डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड एंड परमिटेड। तो एक कंपनी अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग अग्रीमेंट करके लिस्ट हुई है, लिस्टेड सिक्योरिटी, और मैं उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हूं लेकिन मेरा लिस्टिंग अग्रीमेंट नहीं है, परमिटेड सिक्योरिटीज, एकदम सिंपल। ओके, उसके बाद हम जाते हैं मार्जिन। माय गॉड, हमने घुस घुस के पढ़ा है लेकिन अभी हम पूरा रिवाइज नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ हमारे एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम के लिए रेलिवेंट। आना आता क्यों नहीं? हाँ, यस, एग्जाम के लिए जो हमारा रिलेवेंट है, ये पूरा जो हमने समझा था इसको अभी भी हम फोकस नहीं करेंगे। एग्जाम के लिए रिलेवेंट पॉइंट है तीन, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द ट्रांजैक्शन, मेंटेनेंस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, एज अ परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस, इट इज ऑल्सो ब्रोकर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सुपर ईजी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक था ब्लॉक और बल्क। मैंने आप कितनी बार कहा यहाँ पे आप गलती करोगे, बहुत केयरफुली रहना है ब्लॉक और बल्क में। इसके लिए हमने डायग्राम बना के पढ़ा है, ब्लॉक 10 करोड़ का ब्लॉक, कि अभी रीसेंट कंसेप्ट है ये, तो कि जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज क्या कि अगर आपको ब्लॉक ट्रेड करनी है, ब्लॉक ट्रेड रिफर्स टू ट्रेड जहां पे वैल्यू इज 10 CR और मोर, तो फॉर यू अ सेपरेट विंडो हैज बीन डिजाइंड। द फर्स्ट मॉर्निंग विंडो स्टार्ट्स एट 8:45 to 9, द सेकंड आफ्टरनून विंडो इज 2:05 to 2:20। सो इफ एट ऑल यू आर एग्जीक्यूटिंग एनी ट्रेड इन दिस विंडो, स्टॉक एक्सचेंज डिसेमिनेट दिस इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, ओवर ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? खत्म। और यही बल्क ट्रेड क्या होता है, अगर आप किसी भी कंपनी के 0.5% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर लेते हैं इन वन डे, दैट इज अ बल्क ट्रेड। ये सिंगल ट्रांजैक्शन से भी हो सकता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन से भी हो सकता है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो पे भी हो सकता है और ब्लॉक ट्रेडिंग विंडो पे भी हो सकता है। और इसके अंदर आपने इन्फॉर्म करना है टू द ब्रोकर, एंड देयर ब्रोकर ने इन्फॉर्म करना है टू द कंपनी स्टॉक एक्सचेंज, एंड स्टॉक एक्सचेंज गोइंग टू डिसमिनेट टू पब्लिक। अब अगर ये सिंगल से हुआ है, सिंगल ट्रांजैक्शन इमीडिएटली, और अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन इन द सेम डे, देन विद इन 1 आवर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग।
आप समझना इसका मतलब, बल्क का मतलब क्या, मान लीजिए कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 1 लाख, उसका 0.5% का मतलब कितना हो गया, 500 हुआ क्या, पक्की बात, हाँ, तो मान लीजिए उसका 0.5% हो गया है 500, तो अगर मैंने उस कंपनी के 100 शेयर ऐसे कर करके 500 शेयर्स परचेस कर लिए इन अ सिंगल डे, तो ये भी हो गया बल्क। तो जैसे ही ट्रेडिंग आवर्स खत्म हुए, एक घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना है, और मैंने एक ही झटके में 600 शेयर्स परचेस कर दिए और बल्क कर दिया, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। बल्क ब्लॉक, ब्लॉक मतलब 10 करोड़ दिख रहा है मुझको। चलो फिर आता है हमारा एक गरीब सा टॉपिक, निफ्टी एंड सेंसेक्स। आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने तो इसके अंदर वेट भी डिस्कस कर लिया था, तो हम तो बहुत आगे जा चुके हैं। निफ्टी सेंसेक्स सिंपल, निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी इज फॉर एनएससी, निफ्टी 50, सेंसेक्स बीएससी 30 सिक्योरिटीज। दिस इज इंडेक्स बाय विच यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बुलिश और बेरिश। फिर आते हैं मार्केट सर्विलेंस। हमने यहाँ पे पहले कंसेप्ट पढ़ा मार्केट अब्यूज का, कि मार्केट अब्यूज इतना हो रहा था कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को लाना पड़ा मार्केट सर्विलेंस। और अभी आज की तरह मार्केट सर्विलेंस इतना प्रेवलेंट है कि अगर मान लीजिए कुछ भी चीज होती है तो दो तरह के मार्केट सर्विलेंस आ सकते हैं। वन इज प्रिवेंटिव, पोस्ट ट्रेड। प्रिवेंटिव में बहुत सारे बेटे, कोई भी तीन नाम बताओ मुझको। किल स्विच, सर्किट ब्रेकर, रूमर वेरिफिकेशन, ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट। बस बस कोई बात नहीं, उसके बाद पोस्ट ट्रेड याद नहीं रहेंगे, एंड ऑफ डे अलर्ट, ट्रांजैक्शनल अलर्ट एंड पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल। ये नाम याद रखने अच्छे से, एंड ऑफ डे अलर्ट, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल एंड ट्रांजैक्शन अलर्ट फॉर मेंबर्स। यस, और इसके बाद में तो गरीब से टॉपिक शुरू हो गए थे हमारे कि क्या होता है फेड पॉलिसी। मुझे बताओ इंडिया में जो रेपो होता है वही क्या वहां पे फेड होता है? यस, हमारे यहाँ जो रेपो है कि जिस रेट पे आरबीआई लेंड करती है टू कमर्शियल बैंक, वहां पे उनके फेडरल रिजर्व उनको कमर्शियल बैंक पे जिस रेट पे देते हैं उसे कहा जाता है फेड रेट। क्या फेड रेट का इंडिया पे इंपैक्ट होता है? यस यस, अगर फेड रेट बहुत बढ़ गई है तो वो लोग इंडिया से पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूएस के इन्वेस्टर इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का बॉन्ड मार्केट इंपैक्ट हो जाता है कि अगर फेड रेट बढ़ गई तो देन जो इन्वेस्टर जो इंडिया के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं उनकी रेट बढ़ गई, तब उनको परवड़ता नहीं है इंडिया के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो यहां से पैसा लेकर और वापस ले जाते हैं। तो फेड रेट बढ़ने से भी इंडियन इकोनॉमी पर इंपैक्ट आता है। हम आते हैं हमारे लोकल पे, रेपो रिवर्स रेपो। रेपो इज व्हेन आरबीआई बोरोस, आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, एंड रेपो रेट इज वेन कमर्शियल बैंक लेंड्स टू आरबीआई। कभी भूलेंगे नहीं ना, गंगा सीधी बहना उल्टी बहना, बहुत आसान हो गया। फिर SLR CRR तो आपको बचपन से पता है, CRR और SLR। SLR लिक्विडिटी मतलब किसके पास, खुद के पास, और CRR मतलब आरबीआई के पास। सुपर इजी। और लास्ट वाला तो आपका आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, दैट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 15 ऑफ द मॉड्यूल, एंड हमारे नोट्स के हो जाते हैं 15, 16, 17, 18। विदाउट स्टॉपिंग लेट्स हिट चैप्टर नंबर 19। फोकस करना ध्यान से, चैप्टर नंबर 19 के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमें उस चैप्टर को ओपन करे बिना पढ़ना है। सुना ध्यान से, सबसे पहले उस चैप्टर के अंदर हमने कितने इंटरमीडिएट्स पढ़े, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या बात है, ये भी आता है आपको, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आते हैं, सुनो सबसे पहला, अब मेरी बात सुनो, सीक्वेंस बिगड़ भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपन ने रटा थोड़ी है, अपन को तो हर एक व्यक्ति का पता है, तो अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे में लिख दूंगा तो भी यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन हमने जो अगले दिन चार पढ़े थे उनको पहले रैपअप कर लेते हैं, तो हमें फिर ये सीक्वेंस में याद रहते हैं। चलो अगले दिन शुरू किससे किया था, इन्वेस्टमेंट एडवाइसर, और बोलो रिसर्च एनालिस्ट, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और बोलो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डीपी, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है साहब, ये हो गया। पहले इन चारों को मुझे बताओ, सबसे पहले इनका आप मुझे ईयर बताना शुरू करो। 2013, 2018 है ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशन हो गई रिवाइज 2018। ओके चलो ठीक है, और इसके बाद में इनका लिमिट बताओगे क्या, 25 लाख एंड 1 लाख वाला, 1 लाख वाला। सीआरए को अपने वहां पे बिठाया था क्या, और डीपी 100 CR इज फॉर डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी एकदम अलग। मुझे बताओ 100 CR का डिपॉजिटरी था तो 50 CR किसका था, कस्टोडियन। कस्टोडियन 8th point है क्या, यस, क्या बात है, कस्टोडियन। और उस सीरीज का तो सबसे यंग यही था ना, 1996, उस जमाने में सबसे यंग यही था। और यहाँ पे कितना, 50 CR।
अभी हो गए, ऊपर के साथ पढ़ने बाकी हैं। अब मैं शुरू से शुरू करता हूँ। सबसे मर्चेंट बैंकर, दूसरा नाम नाम बोलो अभी तो, टू आरटीए। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो आंटीए, मैंने कहा आंटीए आंटीए कौन सी आंटीए, आरटीए। चलो थर्ड आओ, थर्ड आओ, अंडर राइटर। ये अंडर एक से अंडर राइटर बहुत गरीब था ना, कितने का था, सबसे गरीब था, ठीक है ना, सबसे गरीब था, ठीक है। और आरटीए वो 25-50 वाली कैटेगरी थी, 25-50 कि अगर आपको दोनों का काम करना है तो कैटेगरी वन लो 50 का, और अगर आपको सिर्फ आर बनना है या सिर्फ शेयर ट्रांसफर एजेंट बनना है तो 25-25 में भी काम हो जाएगा। और मर्चेंट बैंकर कहाँ रखूँ, मर्चेंट बैंकर का ईयर 1992, 1993, 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 1993
का तो है ही नहीं, स्टॉक ब्रोकर का भी है ही नहीं, ईयर तो बताओ। 1992। ध्यान रखना यही तो दोनों सबसे पुराने लोग हैं। अरे अपन मैं सोचता हूँ मैंने आज मैं से भी नया नया है क्या बनाऊंगा, अरे स्टॉक ब्रोकर के और मर्चेंट बैंकर के बिना तो कुछ काम ही नहीं होना है ना, तो ये 1992 में ही आने हैं। चलो दो लोग बच गए, डिबेंचर ट्रस्टी पोर्टफोलियो मैनेजर। डिबेंचर ट्रस्टी की 1993, अब थ्री वाले तीन ही हुए हैं। 1993 पे रख दे डन, यस। और डिबेंचर ट्रस्टी बताओ पीएम, ओके। ये तो वो लोग हैं जो साथ साथ घूमते हैं, जो कि एडजस्ट हो गए थे। आर वी अंडरस्टैंड, यस। एंड दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट द एंटायर पार्ट बी। अरे मैं कह रहा हूँ अब समझो, मैं जादू नहीं कर रहा लेकिन इतना आसान है कि इससे आपका पेपर बनना है 30 मार्क्स का, बनना ही बनना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब अगर मैं इसमें से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ तो सुना ध्यान से। सबसे पहले के अंदर जो है चैप्टर नंबर 15, उसके अंदर इंस्टीट्यूट तीन टॉपिक कौन कौन से, AIF, FPI, QIB, ये इंपॉर्टेंट हो गए। अगले चैप्टर के अंदर से आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड IDR, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, वॉरेंट एंड दैट्स इट, डेरिवेटिव से न्यूमेरिकल आना है तो उसके अपन ने बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, उस पर मैं नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर चार टॉपिक, चारों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में वैसे ही टॉपिक छोटा सा था चैप्टर। सो एट द एंड ऑफ द डे पार्ट सी इज एन आउटस्टैंडिंग पार्ट, जो कि अगर अच्छे से पढ़ाए तो आपको 30 में से बहुत स्ट्रॉन्ग मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं। विल स्टॉप फॉर द डे, कल ऐसे ही हम रिविजन करने की कोशिश करेंगे फॉर ICDR। अगर पढ़कर आओगे तो मजा आ जाएगा, पढ़ के नहीं आओगे तो फिर टाइम वेस्ट होता है। दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस।